वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। ये हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। ये आपसे इजीली बन जाएगा और इसमें हम कम घी यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मूंग की दाल, जिसे हमने 4 घंटे पानी में भिगो कर रखा था, 1 कप घी, 2 कप दूध, 1 कप पिसी हुई शुगर, ड्राई फ्रूट्स और बादाम को हमने 2 पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले जार में हम हमारी मूंग की भीगी हुई दाल डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें दाल को दरदरा पीसना है। ये हमने दाल को दरदरा पीस लिया है। अब हम दाल का हलवा बनाएंगे। मैंने 2 टेबल स्पून घी साइड में रख दिया है और बाकी का घी कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हमने ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल कर रख देंगे। अब हम उसी घी को तेज गरम करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर उसी में हम हमारी पिसी हुई मूंग दाल डालेंगे। हम दाल को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ करने से हमारी दाल तले से चिपकती नहीं है। आप फ्लेम को ऑफ रखेंगे तो आपके इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं होगा। ये हमने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है ताकि ये तले से चिपके नहीं। हमारी दाल का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसे हमें ब्राउन होने तक सेकना है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये हमारी दाल ड्राई सी और खिली खिली दिख रही है। अभी ये थोड़ी देर में ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे ऐसे ही चलाते रहें। ये ब्राउन हो चुका है लेकिन हम इसे थोड़ा और ब्राउन करेंगे ताकि हमारे हलवे का कलर और अच्छा आए। हमारी दाल ब्राउन हो चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर लो हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और इसे मिक्स करते जाएंगे। हमने सारा दूध डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये अभी थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है। हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दूंगी, जिसे हमने साइड में बचा कर रखा था, और इसे ऐसे ही चलाती रहूंगी। अब हम इसमें पिसी हुई शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारे हलवे का कलर भी अच्छा आ रहा है। अब हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। हमारी शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा बचा हुआ घी डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे घी छोड़ने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। हमारे हलवे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है।
अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसे हमने घी में फ्राई करा था। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमारा हलवा रेडी है। हम हलवे को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारा मूंग दाल का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे सर्दियों में जरूर बनाएं और खाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें।